इमामदीन बाबा, इमामदीन बाबा, तुम आ गए? हाँ। कब आए पता ही नहीं चला। 10-15 मिनट हो गए। कहाँ थी? ऊपर थी, सायरा से बात कर रही थी। कैसा गुजरा दिन? कुछ खास नहीं था। मैं सोच रही थी कि तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। घर पे कुछ खास होता नहीं है करने के लिए। अगर तुम्हारा नहीं तो आगा जान का कर लेती हूँ। इतनी जल्दी क्यों है? 4 दिन तो हुए शादी को। मैं सोच रहा था कि हमारा हनीमून प्लान कर लो। चले मामी को कह दो कि चाय बना ले, साथ पीते हैं। जी बस वो 2 कप चाय बना दे। ठीक है। हाय लो, तेरे लिए खुशखबरी है यार, मैंने कॉटेज खरीद लिया। गुड, शाबाश। अब बता तेरा क्या इरादा है? कॉटेज किराए पे देगा या क्या करेगा? जो भी करेगा यार, पहले इसकी मुरम्मत रंगो रोगन कुछ कर ले, क्योंकि इसके हालात बड़े ही खराब है। नहीं, मुझे उस कॉटेज में कुछ नहीं बदलना साजिद, मुझे उसको उसकी असल हालत में रिस्टोर करना है। मैं चाहता हूँ कि वो कॉटेज वैसे ही दिखे जैसे वो 20 साल पहले दिखता था। चल ठीक है यार, जैसे तेरी मर्जी। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे भेजता हूँ और जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा उसको रिपेयर करवाना। फर्नीचर भी मैं अप्रूव करूँगा। ठीक है यार। ठीक है, बस मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्दी हो जाए। और जैसा तू चाहेगा सब कुछ वैसा ही होगा यार, बस एक दफ़े मजदूर आ जाए ना, फिर मैं इस तरह तेजी तेजी से काम करा दूंगा। वैसे यार मुझे लगता है इस कॉटेज से ना तेरी कोई गहरी यादें जुड़ी हैं। बहुत गहरी, तेरी सोच से भी गहरी। दुनिया में किसी भी जगह से इतनी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है जितनी उस कॉटेज से है।